इंसान की सबसे पहली गुरु उसकी माँ होती है। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। क्योंकि ये हमारी माँ ही है जो हमें जिंदगी का पहला अक्षर सिखाती है, हमारा अपना कौन है हमें बताती है और एक एक कदम आगे बढ़ना सिखाती है, और फिर घर की दहलीज से बाहर निकलने पर हमारे गुरु हमें ज्ञान देकर जिंदगी के सही मायने समझाते और खूबसूरत बनाते हैं। जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने टीचर से ज़्यादा घुले मिलेंगे, उनसे अपनी चीज़ें शेयर करेंगे, तो आगे आने वाले टाइम में हमारी जो भी प्रॉब्लम जो पहले सॉल्व हो चुकी होगी वो हमारे फ्यूचर में बढ़ने के लिए हमें हेल्प करेगी। हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो हमारे जो भी हमारे फ्रेंड्स हमारे कलीग्स होंगे उनको भी हम उनको अच्छे से समझा सकते हैं अपनी बात को। शिक्षा हमारे जीवन का वो सच जिसने हमें इंसान बनाया, और शिक्षक वो इंसान जिसने हमें शिक्षा का साथ कराया। शायद यही वजह है कि जिसने हमारे धर्म हमारे शास्त्र और हमारी सभ्यता में शिक्षक को अलग आयाम दिया, उन्हें भगवान बनाया। गुरुकुल की डोर थामे हमारा समाज हमेशा निखरता रहा, आगे बढ़ता रहा, और आगे बढ़ी गुरु शिष्य की वो परंपरा, वो अदब, वो लिहाज जो आज तक कायम है। इसी का जीता जागता उदाहरण है टीचर्स डे, वो एक दिन जो शिष्यों ने अपने प्यारे शिक्षकों के लिए समर्पित किया। What I am is today because of my teacher only. Without her guidance, I would not have been here. I mean, अगर उन्होंने मुझे नहीं गाइडेंस प्रोवाइड करी होती प्रॉपर कि मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए, तो आज मैं शायद यहाँ ना होती, आज मैं कहीं और ही होती जहाँ मैं ज़्यादा सक्सेसफुल ना हो पाती। तो यस, हमें ज़रूर उन्हें थैंकफुल करना चाहिए, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले मतलब रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। आई थिंक मॉम के बाद अगर इफ़ यू लुक अप टू समवन टीचर्स टेक गुड केयर ऑफ यू, आई मीन इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम स्कूल, स्कूल में चाहिए कि वो मदर की तरह तुम्हारा ख्याल रखे, फिर ग्रेजुएशन में आते हो तुम उनमें दोस्त ढूंढते हो। तो आई थिंक हर स्टेज के साथ टीचर बदलता है, कहीं भाई तुम्हारे बॉस भी तुम्हारे टीचर होते हैं, बट यू नो आई मीन दे शुड आइडियली टेक केयर ऑफ यू, हाथ पकड़ के तुम्हें सिखाएं। यूं तो हमारी जिंदगी में कई रिश्ते होते हैं, सबकी अपनी अलग अलग अहमियत होती है, लेकिन टीचर और स्टूडेंट के रिलेशनशिप की तो बात ही अलग है। ये कामयाब होने पर हमारी पीठ थपथपाते हैं, तो गलती करने पर सजा भी देते हैं, लेकिन इस सजा में छिपा होता है जिंदगी के उतार चढ़ाव से पार पाने का सबक। आज बदलते वक्त के साथ पढ़ाई के तौर तरीके भी बदलते जा रहे हैं। आज गुरुकुल की जगह क्लासरूम्स और कंप्यूटर्स ने ले ली है, और तेजी से एजुकेशन का कमर्शियलाइजेशन होता जा रहा है। कहीं ना कहीं इसके चलते टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में दूरियां आने लगी हैं, और वो पहले जैसा सम्मान कहीं खोता नजर आ रहा है। आजकल एक जो रिस्पेक्ट होती थी पहले एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में, वो रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है। आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं आजकल रिस्पेक्ट नहीं करते अपने टीचर्स की बिल्कुल भी, और जब उनकी आते हैं कोई भी टीचर आता है उसकी बेइज्जती करते हैं, एंड वो उसमें अपना गर्व समझते हैं, उसमें गर्व महसूस करते हैं। तो ये चीज़ जो है एक रिस्पेक्ट की जो बात है वो चीज़ जो है वो ख़त्म होती जा रही है आजकल के टाइम में। गुरु बिना जीवन की कल्पना भी अधूरी है। आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, हाउसवाइफ हो या फिर वर्किंग, जिंदगी के हर मोड़ पर हमें गुरु की जरूरत होती है। अगर आप गौर से देखेंगी तो पाएंगी कि आपके आसपास कोई ना कोई आपको गाइड करने वाला गुरु जरूर होता है। बस जरूरत है तो उन्हें पहचानने की, उन्हें समझने की और उन्हें वो सम्मान देने की। आई थिंक टीचर के साथ एक बहुत अजीब सा रिलेशनशिप है, कोई बाउंडेशन तो होती नहीं है कि भाई तुम्हें इसके साथ रहना है, पर एक बहुत अजीब सा रिलेशनशिप सेट कर लेते हैं। मतलब एक टीचर होगा जो तुम्हें सिखाएगा भी, जो तुम्हें बचाएगा भी जब तुम गलतियां करोगे। टीचर अगर काफ़ी स्ट्रिक्ट होंगे तो उसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि बच्चे काफ़ी घबराएंगे उनसे, और घबराने की वजह से ये होगा कि वो अपनी प्रॉब्लम्स उनके सामने नहीं रख पाएंगे, जिसके रीजन ये होंगे कि इनके बीच में इनके रिलेशन के बीच में गैप बढ़ता जाएगा। ये चीज़ जो कि अच्छी नहीं है, बिकॉज अगर गैप बढ़ गया तो उनके बीच में कोई भी, जैसे टीचर्स बेसिकली गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, अगर वो गाइडेंस ही ढंग से प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं और अगर लोगों को नहीं समझ आ रही है बच्चों को, तो उससे ये होगा कि उनके बीच में फिर प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाएंगी,
ठीक है, बच्चे घबराने लग जाएंगे और घबराने की वजह से वो उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी, उनसे कुछ पूछेंगे नहीं, तो ये सब चीज़ों की प्रॉब्लम जो होती है। आओ आज खुद से ही वादा करें कि सिर्फ टीचर्स डे के दिन ही नहीं बल्कि हर दिन की शुरुआत अपने टीचर्स का शुक्रिया अदा करते हुए ही करेंगे। You know, I mean, they should ideally take care of you, हाथ पकड़ के तुम्हें सिखाएं। My experience was totally good actually, और मैं सभी टीचर्स को Happy Teachers Day बोलना चाहूंगी। Happy Teachers Day, Happy Teachers Day, Happy Teachers Day।